डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम एक बहुत ही जनरल टॉपिक पर बात करेंगे कि एक डॉक्टर में, एक फिजिशियन में कौन से ऐसे गुण हैं, कौन सी उनकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं या पेशेंट्स को अपने साथ बनाए रख सकते हैं। सबसे पहला गुण, पेशेंस। पेशेंस एक ऐसा गुण है जो शुरू से लेकर अंत तक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक डॉक्टर में पेशेंस है तो वो किस तरह से काम आता है। सबसे पहली बात कि जब भी हम केस टेकिंग करते हैं तो अगर हम में पेशेंस है तो हम उसको बहुत आराम से सुन सकते हैं पेशेंट को, और अगर पेशेंस नहीं है तो हमारे मन में होगा कि बस फटाफट जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें। पेशेंट के अभी उसने चार बातें बताई होती हैं, होता है कि चलो बस अब ख़त्म करो। लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो अपने पेशेंट को आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत ठीक ढंग से सुनेंगे। दूसरी बात आती है मेडिसिन की सिलेक्शन की। मेडिसिन की सिलेक्शन करते वक्त भी पेशेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रेपर्टरी यूज़ करते हैं और रेपर्टरी में जो उनकी पहली दवाई आई वो फटक से पेशेंट को दे देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ सिम्टम्स या कुछ रूब्रिक्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो हम छोड़ नहीं सकते, वो उस पेशेंट का, उस मेडिसिन का किंग पिन हो सकता है। चाहे वो मेडिसिन हमारी रेपर्टरी में, रेपर्टराइजेशन में बहुत दूर आए, 8वीं आए, 10वीं आए, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो आप वहाँ तक जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको होगा कि बस निकाल ली दवाई और दे के काम ख़त्म करो। थर्ड टाइम कब पेशेंस इस्तेमाल होती है, जब हम उसको मेडिसिन दे चुके होते हैं। मेडिसिन हमने उसको एक पटेंसी दी, पेशेंट को फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, जिसमें पेशेंस नहीं होगी वो फटक से उसकी पेशेंट की दवाई बदल देगा। लेकिन अगर हम में पेशेंस है तो हमें उस मेडिसिन की डिफरेंट पोटेंसीज को, क्योंकि हमने जो मेडिसिन सेलेक्ट की है वो बहुत सोच समझ कर की है, तो उसकी पोटेंसी चेंज करके हम मेडिसिन को डिफरेंट पोटेंसीज में देकर हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। ये तभी होगा अगर आप में पेशेंस है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं कि जो जिनमें पेशेंस नहीं है उनको होता है कि बस इससे फर्क नहीं पड़ा, जल्दी से बदल दो, कभी भी नहीं। आपकी सिलेक्शन जो फर्स्ट टाइम में इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपको दोबारा दवाई बदलने की ज़रूरत ना पड़े। मान लो कभी बदलने की जरूरत पड़ भी गई तो भी उसकी डिफरेंट पोटेंसीज का इस्तेमाल करने के बाद ही आप दवाई चेंज कीजिए। सो यहाँ पर भी पेशेंस काम आए। दूसरा गुण है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर। आपका एक प्रॉपर क्लिनिक है, उसमें जाने का आपका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, चाहे 9 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, जितने बजे भी जाना आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर डेकोरम कि मैं 10 बजे वहाँ पहुँचता हूँ। 10 बजे का मतलब 10 बजे होना चाहिए, ये नहीं कि कभी आप 10 बजे पहुंच रहे हो, कभी आप 12 बजे पहुंच रहे हो, कभी कितने बजे पहुंच रहे हो। तो पेशेंट्स इसमें फंस जाते हैं कि डॉक्टर पता नहीं अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात, आजकल मोबाइल सभी के पास है, आपको हर वक्त मोबाइल पर अवेलेबल होना चाहिए। चाहे बहुत बार डॉक्टर्स इस बात से तंग आ जाते हैं कि पेशेंट बार बार आपको फ़ोन करते हैं, लेकिन फिर भी जो अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए। या आप ऑनलाइन पेशेंट्स के लिए या फ़ोन पे बात करने के लिए एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि मैंने 2 बजे बात करनी है या मैंने 5 बजे बात करनी है। तो इस तरह से आप अपनी अवेलेबिलिटी, जो आपका टाइम है उस टाइम पर ज़रूर रखें ताकि पेशेंट को दिक्कत ना आए। अगर आपको उसके बार बार फोन करने पर दिक्कत आती है तो उसको भी बार बार करने पर दिक्कत आती है।
तीसरा पॉइंट आता है आपके बिहेवियर का है। बिहेवियर भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पेशेंट से ढंग से बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, चाहे पेशेंट मेडिसिन से फर्क ना भी उसको पड़े, लेकिन फिर भी वो आपके पास आएगा कि आपने एटलीस्ट उसको ढंग से सुना तो है, आपने उसको एटलीस्ट टाइम तो ढंग से दिया। सो आपका जो बिहेवियर है, जिस तरह से आप पेशेंट से बात करते हैं, जिस तरह से उसकी केस टेकिंग करते हैं, आपको घर में चाहे जितना मर्जी गुस्सा आया हो, आपको जितना मर्जी चाहे आप परेशान हो, कोई चिंता आपको सता रही हो, लेकिन पेशेंट के साथ आपका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल, खुश और पेशेंस वाला होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है आपकी नॉलेज का, आपकी कैपेबिलिटी का। अगर ये पहली तीन चीजें बहुत अच्छे ढंग से हुई हैं, तो चाहे आपकी मेडिसिन गलत भी सेलेक्ट हो जाए, तो भी वो कुछ ना कुछ पार्शियली इंडिकेटेड होगी और मेडिसिन पेशेंट के ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट पाएगी। आपकी डेडिकेशन, आपकी सिंसेरिटी, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो अगर आपने एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, एक सक्सेसफुल फिजिशियन बनना है, आप में ये तीन गुण, पेशेंस, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर एंड आपकी नॉलेज या कैपेबिलिटी, ये चीजें आप में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आगे से जब भी आप पेशेंट्स देखें, तो खुद को पेशेंट रख के, खुद में सब्र रख के आप पेशेंट देखिए। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर डॉक्टर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।